हेलो फ्रेंड्स, एम आई डी एस क्रिएट माई नेम इज आशीष एंड आई आपको बताऊंगा आपको स्क्वायर के बारे में 31st 80। लेकिन ये लॉजिक है नो पेन नो पेपर, आपको सारे स्क्वायर्स बहुत ही जवाब याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना मास्टर नंबर 25, इसका यूज पूरे स्क्वायर को बहुत है। फॉर एग्जाम्पल 49 की बात करूँ अगर मैं, 49 का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा इसको 50 में तोड़ेंगे, इनके बीच के स्क्वायर निकालेंगे आप पहली चीज इसको 50 में तोड़ेंगे, कितना का 50 से 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 01। ध्यान रखिएगा अगर आपका सिंगल नंबर है 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता 0 होता है, 2 का स्क्वायर 02, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16। अब इस 1 को उठा के इस 25 पे लेस कर दीजिए, लेस क्यों करेंगे क्योंकि ये 49 50 से कम है, 50 के साथ जितने कम होंगे सारे क्या होंगे 25 में लेस होंगे, 25 पे 1 कम किया कितना हो गया 24। एक और 48 का देखिए, 48 क्या है 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, 2 का स्क्वायर 04। अब क्या करना होगा 25 पे 2 कम करिए, 25 पे 2 कम किया 23, 42 का स्क्वायर की बात करें ये 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 25 में 8 कम कर दीजिए कितना आएगा 1764। एक और 38 देखिए, ये कम है 50 से आपको कम है 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 1 क्या हो गया कैरी हो गया। जैसे ही आप जानते हैं कैरी तो क्या होता है, कैरी का होता है हमेशा जुड़ना, 25 में आप कम करेंगे 12 कितना आएगा 13, 13 में इसको ऐड करें कितना हो गया 14, 25 में मैंने 12 कम किया आ गया 13, 13 मैंने कैरी को ऐड करते कितना हो गया 14, ये 14 लिखा है। सेम चीज अगर मैं 50 के ऊपर जाता हूं तो 50 में क्या होगा उसमें प्लस हो जाएंगे आपके सारे, फिर से देखिए 50 के प्लस क्यों, 51 का स्क्वायर ये कितना है 50 से प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, 15 में 25 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 26, 25 प्लस 1 53 की बात करेंगे कितना होगा 53, 50 प्लस 3, 3 का स्क्वायर होगा।